दोस्तों नमस्कार, आइए जानते हैं हमारा मन क्यों भटकता है, हमारा मन पे नियंत्रण क्यों नहीं रहता, हमारा मन स्थिर कैसे रहेगा। मनुष्य की प्राकृतिक होती है कि वह संसार के जो कुछ है सब कुछ प्राप्त कर ले। वह इसी चाहत में संसार में कुछ भी ऐसा न चीज हो जो उसे पास न हो, इसीलिए इंसान हर चीज की चाहत में भटकते रहता है। उसके लिए उसका मन हमेशा हमेशा भटकते रहता है। अगर मन में स्थिरता लानी है तो लक्ष्य को केंद्रित करके उसको एक चित मन से उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए ताकि ध्यान न भटके। मन चाहता है कि सब उसके अनुसार हो, लेकिन जब उसके अनुसार सब कुछ होता है तो वह खुश होता है, लेकिन जब उसके अनुसार नहीं होता है तो वह दुख का कारण बनता है। इसलिए मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, मन को काबू में करना आपके लिए अति आवश्यक है। मन क्यों चंचल है? यह संसार एक मोह माया है, उस ईश्वर द्वारा बनाया गया यह एक जाल है। हम बस इसी जाल के अंदर अभी तक घूम रहे हैं। हमारा मन इस दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला अदृश्य वाहन है, पर क्या आपको पता है कि मन हमारा इतना चंचल क्यों है? इसका एक कारण है सांसारिक मोह माया की ओर अग्रसर होना। मन की चंचलता को दूर करने के लिए लोग अक्सर मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, जिससे वह मन की चंचलता को दूर करके अपने अंतर मन की बात को सुन सके। अंतर मन का अर्थ होता है चेतना, यानी मन। मन का संबंध दिमाग से है। मन पर नियंत्रण रखना मतलब काबू करना, एक मनुष्य को पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करता है। मन के अनेक प्रकार की भावनाएं हमेशा आती रहती है, और इस दुनिया में मन की गति से ज़्यादा तीव्र गति किसी चीज़ की भी नहीं है। हम कुछ ही क्षणों में पृथ्वी पर रहकर ही अंतरिक्ष तक का सोच लेते हैं, परंतु मन की गति को काबू करने इसका सही जगह प्रयोग करना अति आवश्यक है। यदि मन के बात करें तो मानव मन से अनेक भावनाएं जैसे क्रोध, अहंकार, लालच, घमंड आदि होती रहती है। मेरे अनुसार इस सभी भावनाओं और इच्छाओं का कारण ही मन का भटकना है। इसीलिए अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखें और आप एक लक्ष्य बनाकर केंद्रित करें।